बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर आपकी रिवीजन में से आज हम लोग मीडियन को रिवाइज़ करेंगे। मीडियन जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की फोर्थ काइंड है, और मीडियन जो है ये क्वांटिटेटिव डाटा के साथ साथ क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऑन अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आपकी मर्जी है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। जिस तरह से भी अरेंज करें, मीडियन जो है वो उसकी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी। ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सारा डाटा है तो मीडियन बिल्कुल दरमियान में लाई करेगा, 50% ऑब्जर्वेशन इससे बिलो लाई करेंगी और 50% ऑब्जर्वेशन इससे अबव लाई कर रही होंगी। मीडियन इज़ डैट वैल्यू विच डिवाइड्स द ऑर्डर डाटा सेट इंटू टू इक्वल पार्ट्स। वन पार्ट कंटेन्स द वैल्यूज़ ग्रेटर देन एंड द अदर पार्ट स्मॉलर देन मीडियन। ठीक है, मीडियन से हाफ वैल्यूज़ उससे स्मॉलर होंगी और हाफ उससे ग्रेटर होंगी। अब मीडियन को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास डाटा के फॉर्म में थ्री टाइप्स के केसेस आ जाते हैं। एक तो डाटा हमारे पास वो होता है, वी हैव अ लिस्ट ऑफ डाटा। सेकेंड है अ टेबल ऑफ अनग्रुप डाटा, जिसको हम लोग डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं। अ टेबल ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा हो तो इन तीनों के लिए हम लोग मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन वी हैव अ लिस्ट ऑफ डाटा, यानी बिल्कुल अनग्रुप डाटा हो, टेबल की फॉर्म में भी ना हो, एक लिस्ट की फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे। इफ़ द नंबर, इसमें स्टेप वन तो ये होगा, स्टेप वन तो अनग्रुप डाटा में हमेशा यही रहेगा कि हमें डाटा को अरेंज करना है। स्टेप वन क्या होगा कि हमने उसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी हमारा दिल करे। उसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑड, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुआ देन मीडियन क्या होगा, वैल्यू ऑफ एन प्लस वन बाय टू एथ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू होगी एन प्लस वन बाय टू एथ ऑब्जर्वेशन की। अभी एग्जांपल करेंगे, इंशाल्लाह और समझ आ जाएगी। इसी तरह से इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ इवन देन मीडियन इज, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन हुआ तब मीडियन हम कैसे लोकेट करेंगे, मीडियन होगी एवरेज ऑफ एन बाई टू एथ एंड एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखें एग्जाम्पल्स ऑफ मीडियन है। सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स लिए हैं जस्ट रिवीजन के लिए, आपके यूजुअली इंडेक्स नंबर्स में आ जाते हैं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड मीडियन ऑफ वैल्यूज़ 15967। ठीक है, सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज़ कितनी है, 5 है टोटल, यानी ऑड नंबर है हमारे पास। स्टेप वन हमेशा यही रहेगा कि अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, जिसमें भी करना है, मैंने असेंडिंग में अरेंज किया है इसको, 15 फिर 6 फिर 7 फिर 9। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है इसके लोकेशन ऑफ मीडियन हमारे पास क्या आएगी, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन जो इस डाटा की होगी, अरेंज डाटा की, वो हमारे पास मीडियन होगी। अब टोटल है 5, एन फाइव आ गया, 5 प्लस वन बाई टू एथ वैल्यू ऑब्जर्वेशन या वैल्यू, 6 बाई टू एथ थर्ड वैल्यू आ गई, 6/2 हमारे पास क्या आ गई, थर्ड वैल्यू। तो इस डाटा में थर्ड वैल्यू मीडियन होगा, थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, सो मीडियन क्या होगा, 6 होगा। तो बहुत आसान है, सिंपली आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि जब भी, क्योंकि मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, जब भी नंबर ऑड हो आपके पास वैल्यूज़ का, तो जो दरमियानी वैल्यू होगी अरेंजमेंट के बाद वो मीडियन होगा। अच्छा, फाइंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा, अब इवन 5 9 6 7 3 एक वैल्यू और इंक्लूड हो गई, जिसकी वजह से एन जो है वो 6 हो गया और इवन हो गया। स्टेप वन में इनको अरेंज कर लिया है स्मॉलर टू बिगर असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद मीडियन क्या होगा, एवरेज होगी, 1/2 होगा किसका, एन बाय टू एथ ऑब्जर्वेशन एंड एन बाय टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। एन 6 है तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, और इनकी एवरेज लेंगे तो 1/2 आपके 6/2 थर्ड आ गई, 6/2 प्लस वन फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ गई। सो थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने अपने अरेंज डाटा में जाके देखनी है कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है 5, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 6। तो 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 11/2, 5.5 हमारे पास मीडियन आ गया है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड केस है मीडियन का, व्हेन टेबल ऑफ अनग्रुप डाटा इज़ गिवन। ठीक है, अगर हमारे पास टेबल ऑफ अनग्रुप डाटा गिवन है इस तरह से, लेट्स से नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है उनकी, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, दिस पहली वैल्यू ऐसे लिखती है, फिर इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर इस जो भी आंसर आएगा उसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड होती जाएगी, यहाँ तक के जो टोटल होगा वो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। सो सम ऑफ एफ इक्वल्स टू एन में 500। केस टू के लिए हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल अनग्रुप डाटा की तरह, क्योंकि एन जो है 500 है वो इवन है, सो मीडियन होगा हमारे पास एवरेज ऑफ एन बाई टू है एंड एन बाई टू प्लस वन है ऑब्जर्वेशन। एन जो है 500 है, 500 बाई टू प्लस 500 बाई टू प्लस वन है ऑब्जर्वेशन, इनकी एवरेज लेंगे तो 500 बाई टू 250 है ऑब्जर्वेशन और ये 251 है ऑब्जर्वेशन। 250th एंड 251th ऑब्जर्वेशन दोनों की दोनों हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आके हमने देखनी कहाँ लाई कर रही हैं, यहाँ पे आके हमारे पास टोटल जो है वो 259 हो गया, यानी 250th ऑब्जर्वेशन भी इस इधर ही है और 251th ऑब्जर्वेशन भी इधर ही है। यहाँ से सिंपली एरो ड्रा करना है हम लोगों ने अपनी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसका उसका कॉलम है। तो नंबर ऑफ पर्सन पर हाउस जो है वो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 जो है वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो मीडियन होगा, सो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस विल बी इक्वल्स टू 3। लास्ट केस जो है वो हमारे पास ग्रुप डाटा का है, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन हो तो उसके लिए याद रखें मीडियन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी, ये फॉर्मूला याद करना है हमने ग्रुप डाटा के लिए, जिसमें एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है, एच जो है वो विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड एन जो है वो पहले की तरह टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी कॉलम को ऐड करेंगे जो सम ऑफ एफ जो है वो एन के इक्वल आएगा, और एन बाई टू जो है ये लोकेट करेगा मीडियन क्लास को, और सी जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास की होगी उससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे आपको लेट से ये डाटा गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 3.46 है आपकी बुक का, मैक्सिमम लोड है और फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम लोड केबल्स का गिवन है 9.8 टू 10.2 10.3 टू 10.7 एंड दिस एंड डेट, सारा क्लासेस गिवन है और उनके साथ ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है मीडियन तो स्टार्ट कहाँ से लेना होता है, स्टार्ट हमने लेना होता है यहाँ से कि सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लें। अब फ्रीक्वेंसी थी, ये कॉलम था फ्रीक्वेंसी का, यहाँ से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आ गई, 7 में 12 प्लस किया 19, 19 में 17 प्लस किया 36, 36 में 14 ऐड किया 50, 50 प्लस 6 56 एंड 56 प्लस 4 60, तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 पूरी हो गई। अच्छा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया, जिसको हम लोग एफ कभी हम एफ से डिनोट कर लेते हैं इसको और कभी हम सी से कर लेते हैं, ये हमारे पास इनफैक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट चीज़ जो रहेगी हमारे पास, क्योंकि लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमें क्लास लिमिट्स गिवन है, यहाँ गैप है इसकी अपर लिमिट में और इसकी लोअर लिमिट में, हम लोग क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। डिफरेंस लेने के बाद टू पे डिवाइड करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको इन अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे और लोअर लिमिट्स से माइनस कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो फॉर्म हो गई हैं। 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, 10.3 माइनस 10.2, 0.1 को डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास 0.25 आ जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, इन सारी में ऐड कर देंगे और 0.05 आ जाएगा, इन सब में ऐड कर देंगे और इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9.75 माइनस से लेकर 10.25, 10.25 टू 10.75 और इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम पहले ही आया हुआ है, हम चाहें तो जस्ट इस क्लास की भी क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जस्ट मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए। उसके बाद क्या है कि अब मीडियन क्लास लोकेट करने के लिए पहली चीज़ है एन बाई टू, हमें सबसे पहले ये करना है कि एन को टू पे डिवाइड करना है, तो एन जो है हमारे पास 60 आया है, 60 को टू पे डिवाइड करेंगे तो 30th केबल बनेगी, जो कि किस ग्रुप में लाई कर रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है। तो 30th केबल हमारे पास ये थर्ड जो क्लास आ रही है, यहाँ पे 36 हो गया टोटल, इसमें लाई कर रही है, इस पूरी को आप लोगों ने ब्लॉक कर लेना है, इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो एल होगा हमारे पास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इस क्लास की वो एफ होगा, इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पिछली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इस फॉर्मूले में जो ये सी यूज़ हुआ है ये यूज़ होगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ ला के पुट कर देंगे,
यहाँ लाके हम लोगों ने पुट कर देना है। ये देखें, सो मीडियन जो है 10.75 प्लस 0.5 ओवर 17, 30 माइनस 19, और इनको सॉल्व किया तो 11.07 शॉर्ट टर्न्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास मीडियन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।